मेरी नेवा ठीक मेरे घर के सामने रहने आई है। ए, देख, 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 मिला बगल में ढूंढा शहर में है ना तेरा सुरेश। आई 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 तू ठीक है ना सुरेश? अरे तो आज मेरी जिम्मेदारी थी ना पानी भरने की, तू काय को गया? हाँ मैं जा आई ये देखिए देखिए देख पानी नहीं भरा इसने, क्या काय को गया रे बाल्टी लेके? मेरी थी ना जिम्मेदारी, पानी नहीं भरा इसने। पानी नहीं भरा मतलब मेरा नंबर आने तक पानी चला गया था, तेरे को बाल्टी खाली उसकी पड़ी है, आई को उठाना। हाँ हाँ चल 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 आई आई ए क्या देख रहे जा पानी नहीं भरने का क्या? चलो घर यहाँ पे अपना चल चल। बेबी ये लो। दादी ने दिया? हाँ। मतलब मेरे लिए भी? हाँ। थैंक यू नीमा आंटी। मीना जी माँ जी बाके जी माँ जी हमने बादाम देते वक्त मीना को क्या कहा था? यही कि माँ जी पारस बाबा पढ़ाई में बिजी है, उन्हें बादाम पहुंचा दो। यही कहा था ना हमने? तो बबीता को बादाम किसने दिया? वो माँ जी बेबी भी पढ़ाई कर रही थी तो मैंने सोचा। सोचा तुम होती कौन हो सोचने वाली? इस घर की कर्ता हर्ता हम है, हम जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। और तुमने क्या सोचा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? सुनो सवाल चार छीले हुए बादामों का नहीं है, सवाल है 40 सदियों से चली आ रही परंपरा का। और पारस इस घर का चिराग है, कुल दीपक है, कल वो काम करेगा, कारोबार संभालेगा और आगे वंश को बढ़ाएगा। और बबीता की पढ़ाई उसका क्या है? बचपन से लेकर ब्याह तक का एक पुल है और ब्याह होते ही ये पुल गिर जाएगा धड़ाम और पढ़ाई खत्म। फैशन वाली आधुनिक महिलाओं के विचार लाने की हिम्मत कैसे की तूने? ये आधुनिक विचारों की मशाल लेकर निकल यहां से, रास्ता भी दिखेगा तुझे। और सुन कल से आना मत यहां। नीमा रुको। नीमा इनका कहा दिल पर मत लेना, यहाँ का ना यही हिसाब है, जो जैसा है बस वैसा ही है, उसे वैसे ही रखना निभाना। यहाँ सिर्फ चीजें बदलती हैं, कपड़े बदलते हैं और कुछ नहीं, इसलिए तुम भी कुछ बदलने की कोशिश मत करो। हुँ? क्या बदलूंगी, अब तो काम से निकाली जा चुकी हूँ। अरे नहीं नहीं ना उनका गुस्सा रहता है ना ही याद। अरे हमारे बाकी जी को ही देख लो ना, उनका तो एक पैर ना हमेशा घर से बाहर रहता है, सैकड़ों बार निकाले गए हैं वो, लेकिन दूसरे दिन खुद चाय लेकर आ जाते हैं। नीमा तुम भी बस अपनी आंखें नीचे रखना और हाथ पैर चलाते रहना, ठीक है? हृदयी वसंत फुलताना प्रेमास रंग आवे, प्रेमात रंग भरताना दुनिये सका डरावे। वाह 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 वा, ए मेरी चाल की चावला। हाँ अरे वो जुई चावला। हाँ क्या रे तुल्लू इतना सज धज के परी बन के कहाँ उड़ने जा रही है? फुर 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 किधर भी नहीं आई। अरे आई जब से वरुण आया ना तब से सुरेश के लिए सजी धजीच नहीं मैं, तो सोचा आज थोड़ा जब से वरुण आया
या वो डेंजो आई है? ए आई क्या रे, ऐसे कौन से पर लगे रे उसमें? हाँ बोला, वो एक है ना तो मैं ढाई है। आई है ना, है ना, पता नहीं क्या समझती अपने आप को। आई ऐसा खुश रखेगी ना मैं सुरेश को कि एक दिन खुद ही पूछेगा, कौन नीमा, किधर की नीमा। दिमाग में फिट कर ले आई। हाँ करे ना, करे ना। अरे देखिए ना, मैं वो तेरी श्रद्धा सेवा भाव मेरे सुरेश के लिए कितना है तेरे मन में। मेरी प्यारी तुलू, उसमें से ना थोड़ा बचा के रख। किसके लिए? अरे सासु में तेरी, मेरा भी हक बनता है ना भाई। रखेगी रखेगी। हाँ करेगी। आई तेरे को सच में ऐसा लगता है क्या, सुरेश पानी भरने गया था तब सच में पानी चला गया रहेगा क्या रे? इसकी गाड़ी ना पटरी से फिर घसर गई। हाँ मेरे को सच लगता है। पर मेरे को नहीं लगता है आई, कुछ तो खटक रहा है मेरे को। कहीं सुरेश को पता तो नहीं चल गया कि वो मोमोया पड़ोस में रहने लगी है। अरे हे बाबा, कितना अंधेरा है। डर लग रहा है। डर किस बात का बेटा, हम साथ है ना, जैसे किसी स्टोरी में। मानने हम लोग ये गेम खेल रहे हैं, हम लोग ये अंधेरी जगह में है। हम लोग ना वो जो लाइट वाला टावर है ना, वहाँ तक जो पहुँचेगा वो इस गेम का विनर होगा। और उसको देख कैसी अड़ी हंस रही है। आई क्या, रुक मैं जरा जाके आती। अंधेरे में कहाँ चली? अंधेरा है ना आई, तो अंधेरे का थोड़ा फायदा तो उठाने दे। रुक मैं उसको जरा नोच के आती है। अच्छा चांस में डांस करने का। जा जा कर क्या। लाइट गई। ए, लाइट गई तो फोन वगैरह किया किसी को? तेरे को देख के बहुत खुशी हो रही है मेरे को, इतनी खुशी कि मैं बयां नहीं कर सकता। तेरे को पता है पूरा दिन मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, मतलब सिर्फ आज ही नहीं है, रोज सोचते रहता हूं, सुबह शाम सोते हुए जागते हुए काम करते हुए सिर्फ तू ही दिखती है मेरे को, तेरी छोटी छोटी प्यारी सी आंखें। तेरे को पता है अभी तेरा हाथ मेरे हाथ में लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक खूबसूरत सा सपना देख रहा हूं मैं। देख ली माँ, हमारी तकदीर हमें किसी वजह से साथ लाए और साथ लाती रहती है ना। मेरे को पता है तू मेरे से बहुत नाराज है और वो जायज है, लेकिन प्लीज मेरी एक बात सुन ना, सिर्फ आज आज मेरे लिए बोल ना, तेरे दिल को दरिया दिल बना के सिर्फ एक ही बात बोल, तूने मेरे को माफ कर दिया बस एक बार।
तुलिका, तुलिका तू गलत ले रही है, मेरी बात तो सुन। तुलिका, तुलिका प्लीज। देख, तू गलत समझ रही है। समझा, समझा मेरे को, मेरे को सुनने का है। वो जो तूने देखा ना, वो बस वाह, एकदम स्पष्ट है। हाँ, क्या आई? ये तेरा भरोसे का पुतला, तेरे लाडले का भरोसा दे रही थी ना तू? हाँ, ये है तेरे भरोसे की मूर्ति, सफाई दे रहा है, सफाई के नाम पे आऊँ इतना ही बोल रहा है। मेरे को तो लगता है आई पानी वानी भरना ना सब बहाना था इसका, वो कमीनी से मिलने जाने का था, और वो घर भी ना इससे नहीं दिलवाया रहेगा उसको। तो क्या बोल रही है तू? नीमा मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तू ना, तू गलत समझ रही है, समझी? मेरे को गलत समझने के लिए ना तूने मजबूर किया है। वो कमीनी कब पकड़ी रहे तेरे को? जब तू नवा नवा था। और मैं कब पाई? जब तेरे एक नहीं दो नहीं अढ़ाई बच्चे थे तब पाई मैं तेरे को। पहले से कंटिन्यू लव स्टोरी के बीच में पाई मैं तेरे को। इतना सब त्याग दी मैं, क्या मिला मेरे को? अक्खा टाइम उसके बारे में सोचता रहता है तू, और मैं अक्खा टाइम इधर डरती रहती है। वो सांप के माफिक वापस आ गई तो सुन एक बात ना, तेरे दिमाग में फिट कर ले, मैं कोई मजबूर और कमजोर औरत नहीं है, जिंदा है मेरा बाप। मैं ना पलक भी नहीं झपकेगी, अपने बच्चे को उठाएगी और इधर से फुर हो जाएगी मैं। तुलिका क्या बोल रही है तू? तुलिका तेरे को पता है ना, वरुण जान से भी प्यारा है मेरे को। तो साबित कर, दिखा मेरे को उस बच्चा चोर कमीनी को, अपनी जिंदगी से निकाल और तू रिच रख। डरती है रे मैं, मेरे को खौफ है उसका। मेरे को वादा कर, अभी इसी वक्त वादा कर, उसको दूर रखेगा। कर। करता क्या करिए? अरे प्यार करता है ना वरुण से, तो बोल उस औरत को तो भूल जाएगा। और वरुण के ऊपर और मेरे ऊपर कोई नहीं है जिंदगी में, बोल अभी। मैं देख समझ गई रे, तो वादा नहीं करेगा ना, तो मेरे बच्चे को लेके इधर से चली मैं, अब इधर कोई जगह नहीं है मेरी। तुलिका रुको, रुक, मैं वादा करता हूँ तेरे और वरुण के अलावा कोई नहीं आएगा। ठीक है, पर लास्ट चांस दे रही हूं मैं, इसके बाद एक भी बार गलती की ना तूने तो मैं वरुण को लेके चली जाएगी और इसका थोबड़ा तू वापस नहीं देखेगा। शत प्रतिशत ना उस सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे मालूम है वरुण ना तेरी जान है, पर वो वरुण की माँ है, उसका मान उसको देना पड़ेगा। वो तेरी डेंजो ना बहुत पीछे रह गई, उधर ही छोड़ उसको और आगे देख, आगे सिर्फ वरुण और तुलिका। इस बार करके दिखा, सिर्फ बोल बच्चन नहीं आ सुनिया, करके दिखा। और एक बात बोलू, कैसे भी कर, पर एक दिन की छुट्टी ले, उसे थोड़ा घुमा फिरा, वो शांत हो जाएगी। छुट्टी? हाँ। छुट्टी कैसे लूँ मैं? कैसे लूँ मतलब? देख, कुछ भी कर, पर तेरे को छुट्टी लेने पड़ेगी, नहीं लेने पड़ेगी। मेरी कसम है तुझे, सूर्या। नहीं तो ना तू तुलिका और वरुण के साथ आई को भी खो देगा एक दिन, समझा ना?
किसी और मनु को स्कूल छोड़ दिया मैंने नीमा दी, आप निकलो नहीं तो काम के लिए लेट हो जाएगा। पता नहीं रूपाली, नारी की तबीयत बहुत खराब है, बुखार है शायद, समझ नहीं आ रहा है कैसे छोड़ के जाओ। नीमा दी मुझे पता है मैं सरलता ही नहीं, क्योंकि वो तो शुरू से आपकी लाइफ का हिस्सा रही है ना, पर उनकी सास की अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें फटाफट गाँव जाना पड़ा। पर मैंने उन्हें वादा किया है नीमा दी कि मैं आपकी और बच्चों की पूरी मदद करूंगी, और सच पूछिए तो 4 दिन बाद नौकरी से छुट्टी लेना भी तो अजीब लगेगा ना। पर नारे की तबीयत खराब। अच्छा अच्छा सुनिए, हर घंटे ना आप फोन से खबर ले लीजिएगा, अब जाइए जाइए वरना माँ जी ना काम से निकाल देंगी। अरे सुरेश चल जल्दी कर, कब से सजदज के वेट कर रही मैं तेरा, अरे लेट हो जाएगा अपने को, पूरा दिन मज़ा मस्ती करने का प्लान है ना अपना, चल 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 जल्दी आ। हलकट, ना कुछ बोली ना कुछ की, पर जली पक्का रहेगी। क्यों चिल्ला रही है हा? अभी 9:30 बजे दुकान खुलने में टाइम है, मेरे को 1 घंटा लगेगा। हाँ ले ले लेना। एक क्या आपको 4 घंटा ले, मेरा काम तो हो गया। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? धीरे 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 बाके संभाल के काटना। जी माँ जी। और देखो वो नौकीले कोने है ना, छूट ना जाए, बात में बहुत दर्द करते हैं। जी माँ जी। हे भगवान क्या हालत हो गई है हमारी, हम खुद के नाखून काटने के लिए झुक भी नहीं सकते। पर हम क्यों झुके, झुकना हमें पसंद ही नहीं है। ऐसे एक बात कहूं माँ जी? बोलो। ये बहुरानी जी है ना, इन्होंने नीमा को कुछ ज्यादा ही छूट दे दिया है। बाके इतने साल हो गए लेकिन तू औरतों की तरह घुमा घुमा के बातें कर रहा है, जो कहना है वो सीधे सीधा कहना। अरे माँ जी वो नीमा है ना घर का फोन इस्तेमाल कर रही है। मीना! जी माँ जी। खुद ही पहचानना अपनी गलती। बाके तू ही बता घर का फोनवा कैसे इस्तेमाल की, जैसे अपना खुद के समझ के रखी। वहां आज फोन उठाया, कलंगड़ाई लेके सोफे पे लेट जाएगी। क्यों? नहीं नहीं माँ जी आप गलत सोच रही है, वो मेरी छोटी बेटी बीमार है, किसी के घर छोड़ के आई हूँ, बस उसी का हाल पूछने के लिए फोन किया था। हाँ तो अपना खुद का फोन काहे नहीं इस्तेमाल किया? हाँ हाँ अच्छा आप समझा, तो आप टाइम बचा रही थी। हाँ नहीं नहीं मेरे पास फोन ही नहीं है। नहीं है तो हम क्या करें, अपनी चीजों पे अधिकार जमाने दे, खबरदार जो आज के बाद ऐसा कुछ किया तो। जी मीना रुक, कितनी मिनट बात की? बस कुछ एक ही मिनट। एक मिनट? एक मिनट का 2 रुपया। 2 रुपए? हाँ 2 रुपए कॉल का। चलो चलो निकालो निकालो। जी इस बार तो 2 रुपये में छूट गई, पर अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो 2 मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? चल जा यहां से। ये ले ये तेरी कमीशन। धन्यवाद माँ जी।
ऐसे खा दे, कमाल लगता है। नहीं नहीं नहीं, चल घर चलते। अरे भाई कहीं को कर रहा है, रुकना मेरे को मजा आ रहा है, तू खाना। मैं बहुत थक गया हूँ, चलना घर। क्या रे, डेली डेली आते हैं क्या अपन? रुकना मेरे को और घूमने का है। निमा जिद मत करना बच्चों की,